Dorothy, please. ये अब क्या कर रही है दी? इतना बड़ा डिसीजन है इस तरह। आप जानती है ना देवर जी आपसे कितना प्यार करते, वो टूट जाएंगे दी, बिखर जाएंगे। आप उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती थी, प्लीज। सिमर, मुंबई में मेरा फ्यूचर वेट कर रहा है मेरे लिए, यहां मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। लाइफ थम सी गई है, रुक गई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये सब मुझे सफोकेट कर रहा है। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे अपने सपनों के पीछे भागने दे। लेट मी लिव एंड लेट मी गो। नहीं, मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए ये अंतिम कॉल है, कृपया करके बोर्डिंग के द्वार की तरफ प्रस्थान करें। ये सोचने का समय नहीं, करने का समय है। लेट्स गो। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको फिर से वो गलती दोहराने नहीं दे सकती। सिमर, सिर्फ एक दो घंटे की बात है, और तुझे बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप मेरा जोड़ा पहनकर यहाँ पे बैठना है, और मंडप पे जाने से पहले तुम वापस आ भी जाऊंगी। आप ऑलरेडी बहुत गलती कर चुकी, शादी के वक्त आपने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया था, और उसके बाद देवेश के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन हर बार देवर जी आपके साथ खड़े, आपकी हर गलती को हंसी में डालते, आपका बैक बोन बनकर आपको कभी भी टूटने नहीं दिया थी। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस बार वो सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी ये गलती आप पे बहुत महंगी पड़ेगी, प्लीज मेरी बात को समझिए, प्लीज। मैं पिछली बार आपको नहीं रोक पाई थी, लेकिन इस बार मैं आपको फिर से वही गलती नहीं करने दूंगी। देवर जी ऑलरेडी आपको सेकेंड चांस दे चुके थे, फिर से नहीं दे पाएंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा। और मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या, वो कुछ नहीं दी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और देवर जी का क्या, वो टूट जाएंगे दी, पूरी तरह से टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे दी, वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। I'm sorry, baby. मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ यार। I'm scared. प्लीज समझने की कोशिश कीजिए दी। आपके पास जो माता रानी की नेमत है ना दी, उसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि हर किसी को इतना प्यार करने वाला पति नहीं मिलता दी। वो जान छिड़कते हैं आपके हर बात पर, आपको कोई उल्टा बोलते ना तो वो सहन नहीं कर पाते। हर बार आपकी खुशियों को अपने से ऊपर रखते, आप उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। दी, आपके पास जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में पास जो है उसे मत ठुकराए। हर सपने की कीमत होती,
लेकिन वो कीमत कुछ भी हो अपनों की खुशियां नहीं हो सकती। उनकी आहुति देकर कोई कुछ नहीं हासिल कर सकता। मेरी बात याद रखना दी, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, ना फेम, ना पैसा, ना खूबसूरती, ना फैंस, कुछ भी। अगर कोई चीज परमानेंट है ना दी, तो वो है अपना परिवार, सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार। रीमा, थैंक गॉड तुम यही हो। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आई ऑलमोस्ट डाइड। मुझे छोड़ के जा रही थी, ऐसा कभी मत करना प्लीज। तुम्हारा ये विवान तुम्हारे बिना जीरो है। मेरा सब कुछ तुम्हीं पे शुरू होता है और तुम्हीं पे खत्म। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम इसके साथ यहां क्या कर रही हो? देवर जी, आप भी ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। रीमा दी कहीं नहीं जा रही है, वो रुद्रा को सी ऑफ करने आई थी, है ना दी? लेकिन ऐसे विदाउट टिकट अंदर कैसे आ सकती? वो रुद्रा चार्टर फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है ना, तो उसके गेस्ट अंदर आके सी ऑफ कर सकते हैं। ओके। हाँ, पता, मैं तो डर ही गया था। मेरी हार्ट बीट, पल्स रेट, बीपी सब बढ़ गया था। इसलिए आज तुम्हें मेरे लिए कॉफी बनानी पड़ेगी, और सिर्फ मुझे ही नहीं। हाँ, बाहर आरा भाई तुम्हारे चक्कर में बेहोश पड़े बैठे हैं, उन्हें एंग्जाइटी अटैक का नाटक करना पड़ रहा है। सो एक कॉफी उनके लिए भी। रीमा, तुम और भाभी पहुंचो, मैं आरव भाई को देखता हूं तब तक। चले दी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो रीमा। गलती तो तुमने की है रुद्र, मेरी दी गलत डिसीजन लेने वाली थी, लेकिन माता रानी की कृपा से उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। सिमर, तुम हाउ डेयर यू, तुम मेरी दी को बहका के ले जाना चाहते थे। कितने नीच इंसान हो तुम रुद्र। दुनिया भर की सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन क्लास बिल्कुल नहीं है। एक घर को तोड़ने चले थे, लेकिन आगे के लिए याद रखना, सिमर से उसकी बहन रीमा और ओसवाल परिवार से उसकी बहू रीमा ओसवाल को हमसे अलग करने की कोशिश भी मत करना। आज तो छूट गए, लेकिन आगे नहीं छूट पाओगे।